Hi. Few moms are asking about recognition of color and shape. The thing is, moms, they want children to name the color, and that is not the right way to make the concept of color or shape clear. हमें नेम रिकग्निशन नहीं, ये रेड है बोलो बेटा, ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, ये नहीं करना है. द कंसेप्ट ऑफ कलर एंड शेप स्टार्ट्स विथ मैचिंग, सॉर्टिंग, रिकग्निशन एंड नेमिंग एंड टू कलर्स एट अ टाइम. तो शुरू करना है हमें सिर्फ मैचिंग. तो दो एकदम ऑपोजिट कलर लेने हैं, जैसे कि रेड एंड ग्रीन. और बच्चे को सिर्फ रेड और ग्रीन कलर की बहुत सारी चीज़ें दे के कहीं पे रेड कलर का बॉल और ग्रीन कलर का बॉल रख दीजिए, या कपड़ा रख दीजिए, बॉक्स रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, और बहुत सारी रेड और ग्रीन कलर की चीज़ें देनी है. और बच्चे को सिर्फ रेड रेड में और ग्रीन ग्रीन में डालना है, उसको नहीं बताना है कि ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है. जस्ट मैचिंग. वो ठीक से करने लगे तो एक और कलर ऐड करना है. जैसे बेसिक कलर के साथ हमें जाना है, रेड ग्रीन येलो एंड ब्लू बेसिक कलर के साथ जाना है. जैसे बच्चा चार कलर अलग करता करने लगे, मैच करना है फिर सॉर्टिंग करना है, तो फिर उसको मैच करने के लिए कलर नहीं देना है, सिर्फ सारे कलर्स की ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट्स एक साथ रख के द चाइल्ड हैज़ टू सेपरेट देम अकॉर्डिंग टू द कलर्स. ये हो जाने के बाद सिर्फ एक कलर का नाम देना है कि रेड, बाकी के सब सिर्फ अलग करने हैं, रेड बाकी के अलग करने हैं. देन इंट्रोड्यूस द सेकंड नेम. तो डोंट गो आफ्टर नेमिंग द कलर एंड सिमिलरली विथ शेप. डोंट गो आफ्टर नेमिंग द कलर और शेप. Just let the child first match it, then sort it, and then introduce the name of the color or shape. Thank you.